मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मक्खन के बारे में आपको बताने वाले। मक्खन यानी आम्ही याला मराठी मध्ये लोणी म्हणतो। ये जो मक्खन है इसके बारे में हम आपको बताने वाले, जिसे श्री कृष्ण ने भी पसंद किया। श्री कृष्ण का ये सबसे पसंदीदा खाना था, तो हम कैसे इसको मना कर सकते। अपने बच्चों को मक्खन खाने दीजिए और उनकी याददाश्त जो ब्रेन पावर है वो बढ़ाइए, तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये फ्री रेडिकल को भी नष्ट कर देता है और मेमोरी बूस्टर है। तो अपने बच्चों को मक्खन या लोनी खाने को दीजिए और सेहत में इजाफा करिए। हम आज तकर के बारे में नहीं बताने वाले, लेकिन जो मक्खन है इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग अभी चैनल पे नए जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और ऐसे ही नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक की आपको जानकारी देते रहेंगे। ये जो मक्खन है ये बनाने का विधि भी प्राचीन अलग था। आप जो सिटी में या हम अपने घरों में मिक्सी में अभी बनाते हैं, प्राचीन टेक्निक अलग थी जो हमारे गांव में वो करते थे। लेकिन चलो इसके आज मैं आपको मक्खन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। ये जो मक्खन है आप इसको खड़ी शक्कर या खांड शक्कर से में मिक्स करके खा सकते हैं, तो इससे आपको बवासीर की प्रॉब्लम, रक्ती मूलव्याध आम्ही याला म्हणतो, बवासीर या मूलव्याधी, हिमोरॉइड्स, पाइल्स में आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जिन लोगों का खून ऐसे गुदद्वार के द्वारा बाहर निकलता है, उनको मेरी गुजारिश है आप मक्खन का आहार में इस्तेमाल करें। मक्खन को शामिल करके देखिए और रिजल्ट पाइए। सेकेंड वन, जिन लोगों को आंखों के नीचे झुर्रिया उत्पन्न हो गए, काले ब्लैक डार्क सर्कल्स उत्पन्न हो गए, इससे मसाज करो तो ये जो काले दाग है ये निकल जाएंगे और आपका सौंदर्य खुलेगा। इसमें विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन B12 का प्रचुर मात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों अनिद्रा में ये बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को अनिद्रा का प्रॉब्लम है, ठीक से निद्रा नहीं आती, वो लोग भी मक्खन का सेवन जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा है। रिसर्च में ये साबित हो गया है, जो मक्खन खाने से दिमाग के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, कैंसर की पेशियां बढ़ने नहीं देता। अगर मुंह में कोई अल्सर है तो ये प्रॉब्लम भी आपका मिट जाएगा मित्रों, लेकिन ये मात्रा में ही खाना चाहिए। ऐसा करोगे तो आपकी सेहत में इजाफा होगा। मित्रों आज मैं आपको मक्खन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बहुत ही बेस्ट फायदे है थायराइड के लिए। तो जिन लोगों को थायराइड की टैबलेट चालू है, वो टैबलेट आप कुछ ही दिनों में निकाल के फेंक दोगे, क्योंकि इसमें आयोडीन बहुत ही मात्रा में रहता है। तो थायराइड वाले मरीज, थायराइड का जिन्हें प्रॉब्लम है, वो लोग मक्खन जरूर खाए। कैल्शियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आपके हड्डियां पैरों में एडन आ रही है तो वो मिट जाएगी, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें सेलेनियम है जो हमारे मूड को ठीक करता है। मक्खन खाने के बाद आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, तो अपने आहार में इसको जरूर शामिल कीजिए। मित्रों ऐसे हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आप अपने मित्रों से, अपने परिवार से ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा मकसद है कि जो जड़ी बूटी है, जो रामबाण उपाय है जो हम बताते हैं अक्सर अपने अलग अलग वीडियो में, और ये जो हमारे आयुर्वेदीय नुस्खे है ये आपके बच्चों तक मिले। हमारी जो नई पीढ़ी
जिनको अभी अभी मैं देखता हूँ कि बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो मुझे बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि मैं इतने सारे नुस्खे हैं और आप पिज्जा बर्गर अपने बच्चों को देते हो, चॉकलेट्स टॉफियां कैडबरी देते हो, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कमजोर होती दिखती है, तो मुझे आंखों में पानी आता है। तो विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है, कैल्शियम फास्फोरस का है, अपने बच्चों को दीजिए, उनके जो बोन्स है हड्डियां हैं उनको स्ट्रांग बनाने में मदद कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। सौंदर्य वर्धक है, इसको आप अपने रगड़ कर अपने फेशियल भी कर सकते हैं। पुराने जमाने में रानियां अपने महलों में ये मक्खन लगाती थी, झुर्रियां है वो मिट जाती है 15 दिन लगातार तक इसका इस्तेमाल करो। और ये जो काले दाग जिसे हम मेलास्मा बोलते हैं, या आम्ही याला मराठी मध्ये वांग म्हणतो, ब्लैक कलर के सर्कल्स आ जाते हैं मुंह पे, तो निकल जाएंगे, लेकिन 15 दिन आप लगातार कीजिए और मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको आपकी त्वचा ग्लो होने लगेगी, शाइनिंग बढ़ेगा, निखार आएगी त्वचा, आप भी जवान दिखोगे। जैसे हम बहुत सारे देखते हैं फेशियल वाली क्रीम, ओ पहलवान लड़कियों वाली क्रीम, और सिने स्टार एक्टर्स ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ ऐसा कहते हैं। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हम आपको कहेंगे ये मक्खन लगाओ, और यदि आप इसमें नींबू का रस भी मिलाओगे और लगाओगे तो भी अच्छा है। आप इसमें शक्कर मिक्स करके लगाओगे तो स्क्रबर की तरह इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा है। जो डेड सेल्स है, जो मृत पेशी है, उनको ये निकाल देगा। तो हम आपको फेयर एंड लवली लगाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो नुस्खा है इसका इस्तेमाल करो, और मुझे बाद में, मैं आपके साथ लाइव जुड़ा ही रहता हूं, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने उधर अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दिया है। तो आप ये जो क्रीम लगाओगे बाद में रिएक्शन आ जाएगा, त्वचा जल जाएगी, इतना सारा आप अपने कॉस्मेटिक्स के ऊपर पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन जो आपने माँ ने, हमारी माँ ने जो रसोई घर में ये बनाया हुआ पदार्थ है इसका इस्तेमाल करो। इसको गेहूं के आटे के साथ भी मिक्स करके भी लगा सकते हो। जिनको त्वचा, जिनकी त्वचा रूखी है उनके लिए बेस्ट है। तो मित्रों आज से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मक्खन का आपके शरीर के ऊपर कितना असर पड़ गया। मित्रों जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आईटी सेक्टर में रात दिन काम करते हैं हमारे मित्र लोग, तो हमें बुरा लगता है, ये आंखों में, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, इतना इतना आंखों का कैविटी नीचे बन जाती है, अंदर जाती है, तो हमें देख के बुरा लगता है। तो हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि आप, अपना वर्कलोड ज्यादा है लेकिन आप क्या करें, मक्खन खाइए। मित्रों इस दूध से बने हुए पदार्थ तक्र, लोनी, तूप, ये आप अपने आहार में शामिल कीजिए, और जो आप टैबलेट खाते हो उनसे छुटकारा मिले मिलाइए। लेसिथिन नामक एक कंटेंट भी इसमें रहता है, हमने आपको बताया कि सेलेनियम का महत्व बताया, लेसिथिन भी बहुत ही असरदार है हमारे शरीर के लिए, तो ये जो फ्री में हमें मिलता है तो उसका लाभ उठाइए। ये आपको उत्साह देगा, कमजोरी को हटाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा रामबाण है। जो गर्भवती माताएं हैं, भगिनी है, उनको मेरी गुजारिश है कि आप चौथे महीने से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है कि इससे होने वाले बच्चे की याददाश्त बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, वर्ण बढ़ेगा, वर्ण में निखार आ जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करें। तो ये प्रजनन क्षमता में बढ़ाने में भी अच्छा है, इसका बहुत महत्व है। वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने इसको सुपर फूड माना है, और पुराने समय से हम इसको अपने आहार में मिक्स करते आए हैं, लेकिन जो पीला मक्खन रहता है वो उससे अच्छा सफ़ेद मक्खन है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो मित्रों इसको अपने आहार में समाविष्ट करें, ऑस्टियोपोरोसिस से निजात मिलेगा, आपकी हड्डियाँ
जो कमजोर है उनको फास्फोरस पोटेशियम ज्यादा मिलेगा और उनके में स्ट्रेंथ आ जाएगी। मित्रों मैंने देखा है कि जो बहुत सारे लोगों को दमा खांसी रहती है और इन लोगों को मेरी सलाह है कि आप भी इसको मक्खन को खाइए, फेफड़ों की मदद करेगा क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड से और कैंसर से भी ये मक्खन बचाव करने में कारगर साबित हो गए। तो मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और ये नेचुरल मॉइस्चराइजर के बारे में मैंने आज आपको बताया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, अगले टॉपिक में ऐसे हम एक नई जानकारी आपके लिए लेके आएंगे।